हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर विथ वन ऑफ माय न्यू वीडियो। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, आज की जो वीडियो है वो टोटली किस पे बेस्ड है? जीके और जीएस की ट्रिक पर बेस्ड है। ठीक है, आज की इस पाँच मिनट के जो वीडियो में हम भारतीय संविधान में किस देश से क्या लिया गया है ये बड़े आसानी से सीख जाएंगे। कुछ भी नहीं है, बस रटना भी नहीं है आपको। मैं जो बताऊंगा उसको आपको ध्यान से केवल सुनना है, और वीडियो के एक से दो बार देख लेंगे हमेशा के लिए आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा फ्रेंड्स। और अभी आप अगर जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा, चाहे अभी तुरंत जाइए इसको देखने पहले, या फिर आप इस वीडियो को देखने के बाद कुछ देर बाद जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे और भी जो रिमेनिंग ट्रिक्स हैं उनको आप ज़रूर देखिएगा, वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल है। बहरहाल मैं टाइम नहीं ख़राब करता हूँ, आपकी आज की जो हमारी ट्रिक है उस पर जो उस पर डायरेक्ट आता हूँ और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। तो देखिए, जैसे अगर जो अपने संविधान की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान अपने देश का है, तो ये ऐसे थोड़ी बना दिया गया है, हर एक देश से कुछ न कुछ चीज़ें ले ली गई हैं। तो क्या लिया गया है, वही सब चीज़ें इधर लिखी गई हुई हैं, और किस देश से लिया गया है ये चीज़ इधर लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा तो देखिए, अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल का सिद्धांत। ठीक है, जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल का सिद्धांत। ठीक है, ठीक है, अब बात आती है लिया तो गया है लेकिन हम याद कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एकदम आसान है, जर्मनी बीच में मनी आया ना, देखिए मैंने लिख दिया हूँ। अच्छा, मनी नहीं रहता है तो क्या आ जाता है, एक तरीके का आपात आ जाता है, मतलब भुखमरी आ जाएगी, सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी जिसे हम आपात से रिलेटेड। आई थिंक ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, अगर जर्मनी आएगा तुरंत आपके दिमाग में मनी आएगा, और मनी आएगा तो क्या आ जाएगा, आपात आ जाएगा। आई थिंक इतने तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, कनाडा। कनाडा क्या है, कनाडा अगर जो नाडा कनाडा आ रहा है तो आप रिलेट करिए क्या, नारा से। नारा है, नारा किसका होता है, किसी एक संघ का होता है ना, सिंपल सा है, नारा संघ का। कनाडा, कनाडा नारा एक संघ का। आई थिंक ये भी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है। तो संघात्मक विशेषताएं कहाँ से ली गई हैं, कनाडा से ली गई हैं। अच्छा, अब बात करते हैं फ्रांस की। ठीक है, तो फ्रांस है, फ्रांस है तो फ्रांस को ऐसे रिलेट करिए, फंस गए। ठीक है, फंस गए किस में भाई, जिन लड़कों का मैथ नहीं अच्छा स्ट्रांग होता है वो किस में फंस जाते हैं, गणित में फंस गए। किस में फट गए, फंस गए गणित में। ठीक है, तो गणित में फंस गए तो गणित से क्या आ जाएगा, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। आई थिंक इतने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जस्ट अ मिनट फ्रेंड। एक्चुअली बाइक थोड़ा सा फंस गया था नीचे, वही निकालना था। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक हम लोग कर लिए थे, फ्रांस गणतंत्रात्मक, क्या मैं बता रहा था, फ्रांस मतलब फंस गए किस में, गणित में। देखिए जब आपको हल्की से हिंट की ज़रूरत होती है और अगर जो ऑप्शनल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, गणतंत्रात्मक आएगा आपको तुरंत गणित गणतंत्रात्मक रिलेट कर ले जाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आयरलैंड। लैंड मतलब क्या होता है, जमीन ना, तो किस पे हम लोग सोचते हैं, सपोज करिए अभी आप कहेंगे सर बेड पे, तो बेड पे नहीं, लैंड। लैंड मतलब जमीन, और जमीन पे क्या आती है, नींद आती है। तो नींद निदेशक तत्व, मतलब इसको ऐसे रिलेट करिए नींद से। तो नींद कहाँ पे आ गई, जमीन पे आ गई। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो अफ्रीका मतलब, ऐसे याद करिए, अफ्रीका मतलब क्या, ऐसे देखिए फिर से लिख रहा हूँ, फेर बदल। ठीक है, अफ्रीका मतलब, देखिए थोड़ा मोटा हो जा रहा है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, फेर बदल। ठीक है, बोल रहा हूँ उससे ध्यान दीजिए, अफ्रीका फेर बदल, और फेर बदल को ही क्या कहा जाता है, संशोधन कहा जाता है। देखिए ये भी याद हो गया। अच्छा, अमेरिका से मौलिक अधिकार, अमेरिका से मौलिक अधिकार, ये लगभग लगभग लोगों को पता होता है भाई, फंडामेंटल राइट किसे नहीं पता होता, मौलिक अधिकार ही तो होता है फंडामेंटल राइट, ये अमेरिका से लिया गया, ये आई थिंक सबको याद होगा, तो कोई दिक्कत है नहीं, इसके लिए कोई ट्रिक है नहीं। बहरहाल अगर जो आपको बनाना ही है तो अमेरिका लास्ट में का आ रहा है, और मौलिक अधिकार का देखिए, जब दो तीन बार का आने लगे तो समझ जाइए क्या है, अमेरिका से मौलिक अधिकार। देखिए ये भी हो गया, जाए एट ए टाइम तुरंत ट्रिक बन गई। अच्छा, रूस और अमेरिका, ये दोनों स्ट्रॉन्गर, मतलब देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं। तो मौलिक और मूल,
एक ही तरह याद करिए, अमेरिका, रूस, मौलिक और मूल। तो रूस से क्या लिया गया, मूल कर्तव्य लिया गया। ऐसे दिमाग में बढ़िए, अमेरिका अमेरिका तो मौलिक, मौलिक ऐसे करके याद करिए, अमेरिका मौलिक अधिकार कहाँ कहाँ आ गया, तो अमेरिका मौलिक अधिकार, उसके बाद रूस मूल कर्तव्य, ठीक है। ये केवल मूल से याद कर लीजिए, या फिर आपको उस तरह नहीं याद रहा तो देखिए, रा में रू एक छोटा सा रा और बनाया गया है, और कर्तव्य ता में भी रा बनाया गया, तो इस तरह कर्तव्य और रू पे केवल फोकस कर लीजिए बस। अच्छा, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, ये तो एकदम अलग है। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, ट्रे ट्रे करके याद कर रहे हैं, एक रा यहाँ आ रहा है और एक रा यहाँ समवर्ती में आ रहा है, तो इससे करके आप याद कर लीजिए। अब जो कुछ भी बचा सब किससे ले लिया गया, ब्रिटेन से। क्या क्या बचा, संसदीय प्रणाली बची, विधि निर्माण बचा, एकल नागरिकता बचा। देखिए ये सिंपल सी ट्रिक थी, और आई थिंक अब अगर जो कोई नहीं कह रहा है कि मुझे भूल जा रहा है, तो मतलब उसने वो वीडियो सही से देखा नहीं, इस वीडियो को अगर आप वीडियो ईमानदारी से देखे होंगे तो 110% मैं गारंटी लेता हूँ, एक नहीं मिनिमम एक मैक्सिमम दो बार में हमेशा के लिए आपको क्या हो जाएगा, याद। और ऐसे आप याद करने बैठेंगे तो अक्सर कन्फ्यूज भी होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप लोगों को लगता भी होगा बार बार सब्सक्राइब, तो फ्रेंड मेरा ये काम है, मेरा काम तो वीडियो ही बनाना है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, चाहे मुझे बहुत मिले या ना मिले, क्योंकि मेरा ये काम है तो मैं ये कर रहा हूँ, मेरा काम ये कहना भी है तो मैं कह भी रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।